हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज बात करते हैं LRSAM के बारे में, यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और एज पर रिपोर्ट्स, फाइनल प्रोडक्शन बैच कंप्लीट हो चुका है बाय DRDO, और मुझे लगता है कि शायद ये हमारे विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के लिए ही था। LRSAM की रेंज 100 किलोमीटर की होती है, पर इसका एक नया वर्जन आ रहा है ER, तो उसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी, और ये स्पेसिफिकली इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। LRSAM को हम बराक 8 के नाम से जानते ही हैं, और ये दो कंट्रीज़ का एक जॉइंट वेंचर है, इसराइल एंड इंडिया। इसमें इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है, इंडिया का DRDO है, इसराइल का एल्टा सिस्टम्स है, रफाल हैं, और फिर इंडिया का BDL है, यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और इंडिया में जो फाइनल प्रोडक्शन है वो BDL ही करती है। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में इस मिसाइल के। तो जैसे मैंने बताया कि इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, पर आने वाले जो इसका ER वर्जन है उसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी। इस मिसाइल की लेंथ 4.5 मीटर है और वेट 275 केजी है, इंक्लूडिंग 60 केजी वॉरहेड, जिसमें कि एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा होता है फॉर डेटोनेशन। स्पीड इसकी मैक 2 की होती है, और इसमें एक डुअल पल्स रॉकेट मोटर लगा हुआ है विथ TVC, यानी थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल, जो के यानी कि जिसकी वजह से ये हाई डिग्री ऑफ मैन्यूएबिलिटी कर सकता है। जब ये टर्मिनल फेस में होता है तब इसके सेकंड मोटर्स फायर होते हैं, और उस समय इसका जो सीकर है यानी एक्टिव रडार सीकर वो एक्टिवेट होता है, और फाइनली ये टारगेट को हिट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ दिस डुअल पल्स रॉकेट मोटर, इसकी जो एनर्जी है वो लास्ट मोमेंट तक बनी रहती है टू किल। बराक 8 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये कई तरीके के एयरबोर्न थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, जैसे मिसाइल्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, UAVs हैं, या फिर सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। और ये कर पाता है बिकॉज इसे इंटीग्रेट किया जाता है ELM 2248 MF-STAR ISR रडार के साथ में। और ऐसे रडार्स हमारे कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स, नीलगिरी क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं, या फिर अब विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें लगे हैं, और उनके साथ इसे इंटीग्रेट किया जाता है, और इस वजह से ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज कर सकता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब बात करते हैं इसके कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो इसमें 2-way डेटा लिंक होता है जो कि S-band पर काम करता है। 2-way डेटा लिंक का मतलब है कि अगर लास्ट मोमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है गाइडेंस में तो उस पर करेक्शन हो सकता है, और फिर फाइनली ये टारगेट को हिट करेगा। इसमें एक्टिव रडार सीकर है, ये 360 डिग्री की कवरेज देता है, और ये मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज कर ही सकता है बिकॉज ऑफ दिस डुअल पल्स रॉकेट मोटर। और इसमें TVC है, और साथ में ये इसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से हम फायर कर सकते हैं। तो जो सबसे खास बात इसकी जो निकल कर आई है वो यही है कि जो ISR रडार है ELM 2248 MF-STAR, जो कि हमारे कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स, हमारे नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स, या फिर हमारे विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स, और इसके अलावा हमारे आने वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं INS विक्रांत या फिर विक्रमादित्य, इन सब में ये रडार लगा हुआ है। और इसी की वजह से हमारा LRSAM इस तरीके से इसे इंटीग्रेट किया गया है कि ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज कर सकता है और उन्हें मार सकता है। तो इंडिया और इसराइल का ये क्लेम है कि फिलहाल इस समय जो LRSAM है यानी बराक 8, इस कैटेगरी का कोई मिसाइल दुनिया में नहीं है, और ये बेस्ट इंटरसेप्टर है इस समय पूरी दुनिया में। तो इनका ये भी क्लेम है कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस मिसाइल की वजह से यानी LRSAM की वजह से हमारे कई सारे फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो सेफ हैं, और इनके अलावा मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो जब ये रिफिटिंग के लिए आएंगे, रिफिट के लिए, उस समय डेफिनेटली इनको चेंज किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर बराक 1 लगा हुआ है वहाँ पर बराक 8 लगेगा।
तो ये बात थी दोस्तों आज एलआर सैम की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इसे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।